ये कहते हैं कि औरत ही औरत की बात समझ सकती है, इसलिए दो बीवी होनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, ये सर्दी की बात की ना, कराची में सर्दियां पड़ रही हैं, ये तो गर्मियों की वजह से पता नहीं चल रहा। किसी लड़की को बेवफाई की सजा देनी हो ना, तो उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड से शादी कर ली। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? सांस चल रही है, बंद कर दें क्या? होता है सर्दियों में घर वाले कंबल ऐसे खींचते हैं जैसे रेंट पे दिया हुआ है। ये मियां बीवी का जो चोंचले होते हैं ना, अब आप देखो बीवी के लिए शोर से सोफा बैठने के लिए होता है, लेटने के लिए नहीं। शोर करा तो चप्पल भी पहनने के लिए होती है, मारने के लिए नहीं। बंदा कह रहा है मैं किराए के मकान में रहता था, मैंने किसी के कहने पे ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया और अपने मालिक के मकान को भी बताया कि ऑनलाइन बिजनेस करो। अब अल्हम्दुलिल्लाह दोनों किराए के मकान पे रहते हैं। वैसे जोड़ों का दर्द जो होता है ना, बड़ा तकलीफ दे होता है। क्यों? हाय हाय हाय। मेरी बीवी को भी हुआ था बेचारी, बहुत तकलीफ में थी। फिर मैं शॉपिंग मॉल गया, दो जोड़े दिलवाए, फिर आराम आया। यार मेरा एक दोस्त है शादीशुदा, उसने स्टेटस लगाया कि पंछी बनके उड़ता फिरूं मस्त हवाओं में। पंछी बनकर उड़ता फिरूं मस्त हवाओं में। उसकी बीवी ने जैसे ही स्टेटस सीन किया और रिप्लाई किया कि जैसे ही जमीन पे आ जाए तो पैंपर, दूध, धनिया और प्याज लेता भाई। हेरिटर से जब फारिक बैठा ना, उसके पास नहीं जाओ, वो तसल्ली से सब काट देता है। कभी ऐसा हुआ कि गाना गाते हुए आपके मुंह में कोई ऐसी चीज चली गई हो, आपने गाना छोड़ के वो एंजॉय करना शुरू कर दिया? मेरी बीवी जो शॉपिंग सेंटर से मेरे लिए रुमाल लेकर आई, मैंने रुमाल खोला, मैंने कहा इतना बड़ा रुमाल, ये 6 गज का तो होगा? कह लेंगे हाँ, बस रुमाल में से जो कपड़ा बन जाएगा मैं उसमें अपना जोड़ा बना लूं। और एक लड़की का कहना है कि सास जो है वो सेहतमंद हो या फिर दीवार पर तस्वीर टंगी हो। अरे सिचुएशन ऐसी हो गई है घरों के मामला में, आप देखो बीवी कह रही है शोर से मेरा नेट नहीं चल रहा। शोर कह रहे अच्छा अपनी जबान से कनेक्ट कर ले। तो भाई इस दुनिया में एक ही आदमी है जो पूछ के चूना लगाता है। कौन? पान वाला। क्या हंस हंस के वो करते हैं मेरे प्यार की तौहीन, हंस हंस के करते हैं वो मेरे प्यार की तौहीन, हंस हंस के वो करते हैं मेरे प्यार की तौहीन, मैं कहता हूँ मर जाऊंगा, वो कहते हैं आमीन। ये बात सच है कि शादी के बाद अक्सर खवातीन, मैंने देखा है शादी के बाद अक्सर खवातीन अपने शौहर से कह रही होती है ना कि याद करें वो दिन जब हम पहली बार मिले थे, याद करें वो दिन जब आपने मुझे पहली बार प्रपोज किया था। तो ऐसा क्यों कहती हैं कि शादी के बाद लड़का कोमा में चला जाता है?